हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी श्रिंकेज के बारे में सीखेंगे कि ये श्रिंकेज एक्चुअली होती क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। आज की क्लास हमारी फिर से एक क्विक टिप है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। श्रिंकेज वैसे क्या होती है ये सभी तो आपको पता ही होगा, पर अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता देती हूँ कि अगर हम कोई 10x10 का कपड़ा काटें और वो छोटा हो जाए किसी वजह से, मान लीजिए वो 10x10 का कपड़ा हमारे 10x8 का हो गया है, तो उसमें एक श्रिंकेज आ गई है, वो अपने कटे हुए साइज से छोटा हो गया है। तो यही होती है हमारी श्रिंकेज। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फैब्रिक के केसेस में कि हमारा वो कपड़ा जो 10x10 का था वो 10x12 का हो गया या 12x10 का हो गया। तो ये होती है हमारे कपड़े में स्ट्रेच। तो श्रिंकेज और स्ट्रेच दोनों एक साथ ही एक पार्ट है हमारे लिए, तो हम इन दोनों चीज़ों को ही सीखने वाले हैं। अब सवाल आता है कि आखिर हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा हो ही क्यों रहा है। तो इसके होने के कई कारण होते हैं। जिस तरह से कॉटन एक फैब्रिक काफ़ी फेमस है, आप सभी ने नाम सुना होगा, और ये अपनी श्रिंकेज के लिए भी फेमस है। तो हम कॉटन फैब्रिक को जब भी यूज़ करते हैं उसको पहले वॉश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सुकड़ता ही सुकड़ता है। तो इस तरीके से हमारी वो श्रिंकेज कॉटन फैब्रिक्स में आ जाती है, या और इस तरीके के कुछ फैब्रिक्स होते हैं जिनमें हमारी श्रिंकेज ऑटोमेटिकली आ जाती है, या कुछ फैब्रिक्स को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है। तो उन्हें धोने से या उनमें उनको फैब्रिक को डाई करने से हमारे फैब्रिक पे जो ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं उनसे हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा हो जाता है। या आप इस वाले टूल का ऑप्शन तब भी कर सकते हैं अगर आपको अपने अवतार पे कई सारे गारमेंट्स की लेयर बनानी हो। जैसे मान लीजिए आपने पहले उसके टॉप पहनाई और फिर जैकेट, और जैकेट में भी आपने लाइनिंग भी लगाई है, तो इस तरीके से आप लेयर्स क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको श्रिंकेज वाला टूल हेल्प कर सकता है। तो अब हम सबसे पहले एक फैब्रिक बना लेते हैं जिस पे हम ये सब सीखेंगे कि एक्चुअली क्या है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। मैं एक रैंडम रेक्टेंगल बना रही हूँ क्योंकि मुझे केवल एक कॉन्सेप्ट समझाना है, तो उसके लिए कोई परफेक्ट साइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको साथ ही साथ पिन कर लीजिए जिससे जब हम सिमुलेशन करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा रेक्टेंगल का साइज़ क्या है। तो ये है 51.344 और ये है 47.897। अपने सिलेक्ट टूल पे वापस जाइए, अपने पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपने प्रॉपर्टी एडिटर पे फोकस कीजिए। यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो एक है वो है सिमुलेशन प्रॉपर्टीज़ में। सिमुलेशन प्रॉपर्टीज़ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा श्रिंकेज वेफ्ट और श्रिंकेज वॉब। ये जो वैल्यू है हमेशा परसेंटेज में ही होती है, तो 100% मतलब है कि हमारा फैब्रिक इस समय एक्चुअल स्टेट में है, ना उसमें कोई श्रिंकेज है ना ही स्ट्रेच है। तो अगर हम इस वैल्यू को कम करते हैं तो हमारा फैब्रिक छोटा हो जाएगा। सिमुलेशन ऑन करके देखिए तो आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक किस तरीके से हॉरिजॉन्टली छोटा हो गया, क्योंकि हमारी वेफ्ट होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस फैब्रिक की और वॉब होती है वर्टिकल, जो आपने फैब्रिक्स की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो सीखा होगा। तो इस तरीके से वेब और वॉब लगाए जाते हैं हमारे फैब्रिक को बनाने में। तो हमने अभी अपना वेफ्ट छोटा किया है। अगर हम वॉब छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, हम इसको 50 करके दिखाते हैं आपको। आप साथ ही साथ हमारी 3D विंडो को भी देखिएगा कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है। तो 50% करते ही उसने हमारे गारमेंट को श्रिंक कर दिया। तो मतलब आप जितना भी 100 से नीचे की वैल्यू रखेंगे आपका गारमेंट उतना ही श्रिंक होता जाएगा। तो आप ये तो हो गए श्रिंकेज की बात आपके लिए, पर अगर आपको अपने गारमेंट को स्ट्रेच करना है तो क्या, कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करने से पहले पर हम इस वैल्यू को नॉर्मल कर लेते हैं। तो हमारी वेफ्ट भी 100 हो चुकी है, तो ये नॉर्मल हो गई, और साथ ही साथ वॉब भी। ये सब चीज़ें करते हुए अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारी 2D विंडो में जो पैटर्न हमने क्रिएट किया था वो उतने का उतना ही रहा, उसमें जरा भी चेंज नहीं आया, क्योंकि
फैब्रिक तो हमने उतना ही काटा है, पर उस पे ट्रीटमेंट की वजह से हमारा फैब्रिक छोटा हो गया। तो ये हमारी नेचुरल श्रिंकेज है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपने बायर को, अपने कस्टमर को बता पाएं कि हमारा फैब्रिक कितने रेशो से छोटा हो गया और किस तरीके से छोटा हो गया। तो अब हम देखते हैं अगर हमारे गारमेंट में स्ट्रेच आ जाए तो वैल्यू क्या हम 100 से ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं। तो हम इसको 150 करते हैं। तो 150 करने से हमारा गारमेंट श्रिंक होने की जगह स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे गारमेंट में फुलनेस दिखाई देने लगेगी आप सभी को। हमारा गारमेंट स्ट्रेच हो गया है क्योंकि जो हमारे यार्न्स थे वो खिंच गए हैं और उसने हमारे इतने से फैब्रिक को इतना बड़ा कर दिया है और इसको एक गैदरिंग वाला इफेक्ट दे दिया है। तो इस तरीके से भी चाहें तो आप गैदरिंग बना सकते हैं, पर ये सही तरीका नहीं होगा क्योंकि ये केवल और केवल आपकी 3D विंडो में आपके पैटर्न को एक्सटेंड कर रहा है, ना कि 2D विंडो में। तो इसी तरीके से वॉब भी आपकी वैल्यूज को चेंज करने पे इंक्रीज कर देता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे फैब्रिक की लेंथ एक्सटेंड हो गई है। ये सब तो हो गया कि हम अपने श्रिंकेज टूल को यूज किस तरीके से कर सकते हैं, पर रियल लाइफ में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने अभी एग्जांपल के लिए जो फैब्रिक बनाया था वो काफ़ी रैंडम था, इस वजह से जो इसकी मेजरमेंट्स हैं वो काफ़ी अटपटी सी हैं। तो हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट का रेक्टेंगल या कहीं स्क्वायर बना लेते हैं जिसको हम अच्छे से समझ पाएं। तो हम इस वाली शेप को डिलीट करके एक 10x10 का स्क्वायर बना लेते हैं। हमारी शेप अब रेडी है। अब हम चलते हैं कि इसकी श्रिंकेज हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो ये स्क्वायर है वो 10x10 का है, पर मान लीजिए किसी ट्रीटमेंट के बाद ये कम या ज्यादा हो गया, तो इस फैब्रिक की जो इस समय हाइट है वो 10 की जगह 6 इंची हो गई है। तो हमें इसके लिए एक परसेंटेज चाहिए होगी जो हम यहाँ डाल सके। ये फिलहाल हाइट है तो हमें वॉब में अपनी वैल्यू डालनी है। तो उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी, 6 × 100 / 10। तो इस तरीके से हमें मिलता है 60। तो अगर हम इसको 60 कर देंगे तो हमारा फैब्रिक जो अभी 10 इंची की लंबाई वाला है वो 6 इंची की लंबाई का हो जाएगा। सिमुलेशन ऑन कीजिए। अब हमारा फैब्रिक छोटा तो हो गया है, पर क्या ये सही में उतना छोटा हुआ है या नहीं हुआ है हम वो देखते हैं। यहाँ से स्क्रॉल अप हुई है और उसके बाद अपनी इस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट कीजिए। तो आप इस समय यहाँ पे सिलेक्टेड लाइन पे देख सकते हैं कि हमारी 2D लाइन लेंथ तो 10 ही है, पर 3D लाइन लेंथ 6.035 इंचेस हो चुकी है। तो हम इस चीज में कामयाब हुए, हमने अपने फैब्रिक को 4 इंची छोटा कर दिया है इस तरीके से। पर आप सोच रहे होंगे कि ये अभी भी 6 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि जब हमने फैब्रिक को हैंग कर रखा है तो उसमें एक नेचुरल स्ट्रेच आ जाता है, तो इस वजह से हमारा फैब्रिक अभी भी 6 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर श्रिंकेज उसमें उतनी ही आई है जितनी हमें चाहिए थी। अभी तो हमने अपनी हाइट चेंज करी थी, पर इस बार हम अपनी विड्थ चेंज करके देखते हैं। तो हमारी ये 10x10 का स्क्वायर अब 10x12 का होने जा रहा है, मतलब कि इसमें श्रिंकेज की जगह स्ट्रेच आ रहा है। तो हमें इसके लिए फिर से कैलकुलेशन करनी होगी कि ये 10 का कपड़ा 12 का हुआ तो हमारी परसेंटेज कितनी हुई। तो 12 × 100 / 10, तो हमें मिलता है 120। तो हमें अपने श्रिंक वेफ्ट में 120 की वैल्यू डालनी होगी। उसके बाद हमारा फैब्रिक गैदर हो चुका है और उसके बाद हमें इस वाली लाइन को सिलेक्ट करना होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फैब्रिक 11.999 इंचेस का हो चुका है, वो ऑलमोस्ट 12 की तरफ बढ़ चुका है। और इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वो श्रिंकेज हो या स्ट्रेच हो। बस इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिससे आपको अपनी एक रियल परसेंटेज मिल सके
और उसके बाद उन वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए और सिमुलेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी श्रिंकेज और स्ट्रेच आपको तभी दिखाई देगा। और साथ ही साथ चेक करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्टेड लाइन लेंथ। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। अगर इस क्लास से आपको मदद मिली हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आप सभी को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप पे आना मत भूलिएगा, जिससे आप अपने सहपाठियों से बात कर पाएं, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।